तो ये है जोशी मठ की छोटी सी एक मार्केट, छोटी क्या काफ़ी बड़ी मार्केट है, छोटी नहीं है, काफ़ी अच्छी बड़ी मार्केट है जोशी मठ की, छोटी नहीं है, छोटी से नहीं कह सकते। लेकिन आज यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा जाम वगैरह नहीं है, बहुत सही चल रहा है मामला। ये अब मेन मार्केट शुरू हुई है जहाँ पे से हर चीज़ आपको मिलेगी, परचून मेडिकल स्टोर सब कुछ आपको मिलेगा। और एक लाइन और गई हुई है उधर भी, अच्छा है काफी। ये एक गुरुद्वारा है जहाँ पे लोग स्टे करते हैं। ये माल रोड होगा, जोशी मठ का माल रोड, अच्छी जगह है, काफी बड़ा है। हनीफ भाई की सब्जी की दुकान बंद है, से नज़ारे। आज इन खूबसूरत नज़ारों को छोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर सब ट्रैप मतलब मार्शल वगैरह जो ट्रैवलिंग में चलती है वो खड़ी है। बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, बड़ी मार्केट भी है, बहुत सारे रेस्टोरेंट भी हैं, होटल्स भी हैं बस। लेकिन यहाँ का मज़ा जो है, जोशी मठ का मज़ा जो है, वो आपको आएगा दिसंबर से लेकर फरवरी तक, फरवरी लास्ट तक बहुत अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे बहुत ठंड मिलेगी, तो अगर आप प्लानिंग करते हैं यहाँ पर दिसंबर से फरवरी तक आने की, तो अपने गर्म कपड़े लाना मत भूलें, क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा डाउन रहता है, इसलिए आप गर्म कपड़े लाना मत भूलें। इस टाइम पे गर्म कपड़ों का कोई काम नहीं है, क्योंकि धूप जिस तरह की निकली हुई है उस तरह से गर्म ही हो रही है, बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। हाँ बस ये है, अपने यहाँ की जैसी गरम भी नहीं है। तो अब चलिए बढ़ते हैं अपने सफ़र पे। मार्केट वगैरह ख़त्म हो गई है, जो मार्केट थी मैंने आपको दिखा दिया, बस इतनी बड़ी मार्केट थी यहाँ की, बहुत ज़्यादा बड़ी भी नहीं थी। तो अब हम लोग निकल रहे हैं आगे अपने सफ़र को, बढ़ रहे हैं। पेट्रोल की टंकी हम लोगों ने एकदम फुल करा ली है, क्योंकि दो नैनीताल यहाँ से 270-270 किलोमीटर है, और क्या कहते हैं आज शायद पहुँच भी ना पाए।